हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। मैं हूँ प्रीति और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग सा मेकअप ट्यूटोरियल, जिसे कि आप आने वाले आगे फेस्टिवलों, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, या आप किसी वेडिंग सीजन में भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फिरसाली ऑयल अपने फेस को अच्छे से प्राइम करने के लिए। प्राइम करना है अच्छे से, मैंने अपने फेस को पहले सीटीएम किया है। क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका मेकअप जो है बहुत अच्छा लॉन्ग लास्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यूजिंग यही फिरसाली ऑयल में यूज़ करी हूँ एज अ प्राइमर। इसके ऊपर से मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, बिल्कुल भी यू नो ऑयलनेस नहीं रहता इसमें, अच्छा है। और अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, और मैंने बहुत टाइम से आईब्रोज़ भी नहीं बनाई है, तो बट मुझे बिना बनाए भी अच्छा लग रहा है। मैं जानबूझ के नहीं बनवा रही क्योंकि मेरी आईब्रोज़ मोटी लग रही है और घनी लग रही है बिना बनाए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इस बार लुक थोड़ा चेंज लग रहा है। स्पूली की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे आप निकाल सकते हैं, जिससे कि नेचुरल आपकी आईब्रोज लगती हैं। नेक्स्ट टाइम यूजिंग अ कलर सेंस का कलर करेक्टर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कलर सेंस का कलर करेक्टर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, एक तो सस्ता है, दूसरा बहुत अच्छा है। सस्ता मतलब सस्ती चीज़ें ये होती हैं, जो सस्ती और अच्छी होती हैं उन्हें बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता है तो हर चीज़ खराब है, नहीं। कलर सेंस का कलर करेक्टर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसे आप फिंगर की हेल्प से जहाँ पर भी आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं, आपकी अंडर आई एरिया ब्लैक है, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है कुछ भी, वहाँ पे आप इसे यूज़ कीजिए। ये आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन अप करेगा और आपका बेस जो है फ्लॉलेस आएगा, अच्छे से आएगा, दिखेगा। ठीक है, फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ मेबलिन का कंसीलर, मेबलिन का फिट मी कंसीलर है ये, हाँ। और इससे मैं अपनी आई एरिया को, यू नो आई बॉल जो एरिया होता है ऊपर, वहाँ मैं अच्छे से कंसील करूँगी कंसीलर ब्रश की हेल्प से, ताकि जो है जो भी मैं आई सेडो कलर लगाऊं वो अच्छे से दिखे, अच्छे से उभर के मेरा आई मेकअप आए। फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और पाउडर की हेल्प से इसे हम लॉक कर देंगे, ताकि जो आपका आई मेकअप है वो क्रेजी ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की आई सेडो पैलेट से पीच कलर, और पीच कलर से मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ अपनी क्रीज लाइन को। ठीक है, क्रीज लाइन अच्छे से बिल्डअप कर लेना है, दोनों आई पे मैंने क्रीज लाइन बिल्डअप कर ली है। बहुत ही पीच शेड जो है बहुत अच्छा होता है इंडियन जो वॉर्म स्किन टोन में थी उनके लिए। और नेक्स्ट आई एम यूजिंग हर मैजेंटा पिंक टाइप में ये शेड है, अच्छा लग रहा है मुझे ये। सो मेरा लहंगे से भी मैच हो जाएगा जो मैं पहनने वाली हूँ ड्रेस, और उसे अच्छे से मैंने अपनी आई बॉल एरिया पर, बहुत इजी आई मेकअप आज मैं आपको बता रही हूँ गाइस, बहुत इजी, कोई भी बिगिनर्स इसे कर सकता है। और इसे आपने अपनी आई बॉल एरिया पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, आई शेडो को ब्लेंड ज़रूर करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही आपका आई मेकअप उभर के आता है। यहाँ पर मैंने सिल्वर यानी स्लेटी जो कलर होता है वो लिया है, उसका मैंने सिमर शेड लिया है। ठीक है, और उसे मैंने इस तरीके से अपनी हाफ यू नो डार्क कॉर्नर से और हाफ आईबॉल एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और आई मेकअप अच्छा लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ लैक्मे एब्सोल्यूट का लाइनर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इससे ईजिली आपका लाइनर लग जाता है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन, और हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है ना, उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हल्का सा स्टिकीनेस है ना, ऑयली सा मुझे लगता है, तो जिन लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। और बट मेरे पे भी अच्छे से सूट हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और अपनी नेक पोर्शन को आपने अच्छे से, अपने गले को आपने अच्छे से इस बेस अप्लाई करना है, ताकि आपका फेस और आपका नेक जो है अलग ना लगे। ठीक है, और अच्छे से ब्लेंड कर लें, उसके बाद पाउडर की हेल्प से हम इसे लॉक कर लेंगे, और आप देख सकते हैं बेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लॉलेस बेस तभी होगा अगर आप डेली वेयर अपनी स्किन की अच्छी केयर करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अपने अच्छा अपनी स्किन पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंटोरिंग, मैंने आई शेडो पैलेट से हल्का सा ब्राउन शेड लिया है, और कंटोर मैं अपने चीक्स को कर रही हूँ, अपनी एक्स्ट्रा जो चिन लाइन होती है, सॉरी नीचे जो डबल चिन होती है उसे हम कंटोर करेंगे थोड़ा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्लशर, बट बहुत ही प्यारा ब्लशर है मार्स का जो ब्लशर है, इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर भी है, तो ऐसा लगता है कि हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत पिंकी सा और पिगमेंटेशन वाला ब्लशर है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है, तो मैं बहुत लाइट लगाती हूँ इसको, बहुत कम मात्रा में। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शेडो पैलेट से ही मैंने ब्राउन शेड लिया हल्का सा, उससे मैं अपनी नोज़ एरिया को कंटोर कर रही हूँ फ्लफी ब्रश की हेल्प से, आई शेडो ब्रश की हेल्प से। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ
स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, सिमर ब्रीज करके ये हाइलाइटर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और इसे अपनी चीक्स को, अपनी जो भी चीक्स बॉन्ड होती है उन्हें मैं अच्छे से हाईलाइट करूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपने ऐसा ही कॉपी करना है। जब भी तैयार होना हो वीडियो को आगे लग रख दीजिए और फ़ोन चला के रख दीजिए, सॉरी वीडियो को, और आप अपना मेकअप कीजिए। अब जो शेड मैंने ऊपर ब्राउनिश या पीछे शेड लगाया था वही मैं अपनी लोअर लैश पे ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज वर्क की हेल्प से, और हल्का सा मैं ब्लैक शेड का इसमें टच दे दूँगी ताकि मुझे काजल लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि काजल से मुझे बहुत हैवी लगता है। और अब मैंने आईलेसेस अप्लाई कर ली है, जो कि मैंने कैमरे में नहीं दिखाई है क्योंकि आईलेसेस में मेरे को बड़ा मत्था पट्टी करना पड़ता है, मत्था पट्टी बार बार निकलती रहती है। सो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की लिपस्टिक पैलेट से, मैंने न्यूट सा पिंक शेड लिया है और अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। और देन हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। मेकअप को फिक्स होने के लिए फिक्सर ज़रूरी है, इसे ड्राई होने दें और उसके बाद अपना फाइनल लुक लेके आते ही। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक, ये है मेरा लहंगा चोली, साथ में मैंने ग्रीन कलर का ज्वेलरी इसमें डाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो इस मेकअप लुक को आप तीज में, आप करवा चौथ में, आप अपने ब्रदर सिस्टर कज़न किसी की भी वेडिंग में या रिसेप्शन में आप क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटी सी क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर डाली है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं @beautybloggerpreeti करके मिल जाएगा आपको। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का लुक कैसा लगा।